तू चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे पापा। अरे क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने बेटे के लिए, सारे सपनों पे पानी फेर दिया इस लड़की ने। मैं क्या इस लड़की की शक्ल भी देखती हूँ ना तो गुस्सा आता है, अभी इसे घर से निकालती हूँ। काय करते है जरा समझो ना, अरे रघुवीर ने इसे अपना लिया है। सही बात है, चला चल। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जी वो मुझे सोने के लिए रूम चाहिए था तो। अच्छा रूम चाहिए सोने के लिए, चलो मैं दिखाती हूँ। रुक मैं भेजती हूँ किसी को, हाँ रूम दिखाने के लिए। बरो चलो। और ये घर के नौकर कितने लेजी हो गए ना, पानी का बॉटल भी नहीं भर सकते। माय गॉड प्रगति, यू स्केयर्ड मी। आई एम सो सॉरी, वो मुझे लगा कि आप रूम दिखाने। अरे हाँ वो रूम ना। हाँ हेलो, हाय दीदी, हाउ आर यू? नहीं नहीं मैं सोई नहीं हूँ अभी तक। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बिफोर आई फॉरगेट, वो दिवाली पे आपने वो रेड ड्रेस पहना था ना, प्लीज मुझे भेज देना, आई लव्ड इट। अरे दो दिन में पहुंच जाएगा एक्सप्रेस कुरियर में। बाकी सब ठीक है कि नहीं? हाँ अच्छा, कैसे आया? कोई तो लाया मुझे। क्या हो रहा है ये? सोना नहीं है, टाइम देखा तूने? पापा बहुत काम है, बस बस 10 मिनट। पापा शरीर को आराम दोगे तभी शरीर से काम लोगे। 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, पता नहीं क्या तुझे? हाँ पापा लेकिन मेरा काम इतना। कुछ नहीं बस शट अप, गुड नाइट। गुड नाइट। कौन हो तुम? सब मैं प्रगति, वो साथ शादी। हाँ प्रगति शादी है। यही मैम, तो यहाँ स्टैच्यू बन के क्यों खड़ी? नहीं वो रूम ढूंढ रही थी सोने के लिए। तुम घोड़ा हो, कड़ी कड़ी सोती हो, और मैं खाना ढूंढ रहा हूँ खाने के लिए, आओ ढूंढे साथ में। खाना गरम कर दूं? क्यों ठंडे से पेट नहीं भरता? नहीं तो वो खाना खाने से भूख लगी होगी ना, खा लो। Thank you.
टेबल मैनर्स नहीं है। अरे इतने बड़े घर के हो, स्पून कहाँ है? टेबल मैनर्स की क्या बात है, कुछ चीजों का मजा हाथ से खाने में है, स्पेशली दाल चावल। कभी ट्राई किया है? छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, डिस्टर्ब मत करो, खाने दो। सॉरी सर, वो खाना खत्म हो गया। सर आपके लिए कुछ जल्दी से बना दूं? नहीं, पेट भर गया। मैं उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, बस बाहर निकालो उसे इस घर से, बस। वो कहीं नहीं जाएगी। वो जाएगी, उसी ने तो कहा था ना कि ये शादी गलती से हुई है। गलती से हुई है, लेकिन हुई तो है, और वो रघुवीर की पत्नी है। पत्नी? पत्नी माय फुट। सुक्कू से शादी होनी चाहिए थी उसकी, वो प्यार करती है उससे। कोई प्यार व्यार नहीं करती, नाटक कर रही है। आज तक उसने जो भी रघुवीर के बारे में बोला है झूठ था। हाँ, सच्ची तो सिर्फ प्रगति है ना? हाँ, वो सच्ची है, इसीलिए वो अपनी शादी छोड़कर रघुवीर को बचाने आई। पैसों के लिए आई है। अगर ऐसा होता तो रघुवीर को शादी के लिए कभी नहीं रोकती, चुपचाप बैठकर शादी कर लेती। लेकिन वो रघुवीर को बचाने आई थी, वो उसकी इज्जत करती है, उसकी फिक्र करती है, और रघुवीर को यही चाहिए, प्यार, अपनापन, जो कि उसे सिर्फ बानी से मिला था। लेकिन बानी के मरने के बाद वो जीने ही नहीं चाहता था। कितनी बार उसने मरने की कोशिश की, कभी पूल में, कभी एक्सीडेंट करके, और उस दिन छत पे। मुझे लगता है प्रगति उसे जीने की वजह देगी, उसे बदल देगी। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की रघुवीर से पहले उसका बीता हुआ कल बदल दे, वो कल जिसे रघुवीर ही नहीं हम भी दबाए रखना चाहते हैं। पर क्या हम उसे दबा पाए? प्रगति रघुवीर का आने वाला कल है, जिसके आगे रघुवीर अपना बीता हुआ कल भूल जाएगा। कहीं उसका उल्टा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि बीता हुआ कल भुलाने की बजाय वो उसके सामने ले आए। क्या है? तो वो रूम। व्हाट रूम? वो रूम चाहिए था। ओह, रूम, राइट। एक काम करो, यहाँ से नीचे जाओ, वहाँ से लेफ्ट लो, फिर राइट लो, फिर एक कॉरिडोर आएगा, कॉरिडोर से आगे जाके एक और राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, फिर स्टेयरकेस आएगा, स्टेयरकेस से नीचे उतर के फिर एक राइट लेना, और सामने तुम्हें बहुत सारे गेस्ट रूम दिखेंगे, जो अच्छा लगे वो ले लेना आके बंद करके। ठीक है? बाय। तो लेकिन लेफ्ट लेना। मैं अपने पेरेंट्स से क्या बोलूं? They just won't accept. Just let him be. मैं बोली हूं, वो नहीं समझेंगे. It's not that easy.
शहर कैसे नीचे होते के, फिर एक राइट लेना और सामने तुम्हें बहुत सारे गेस्ट रूम दिखेंगे, जो अच्छा लगे वो ले लेना आके बंद करके। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, इट्स टू लेट, बाय। शांति जी देवी, ये दरवाजा कैसे खोला? ये आदिति बुआ ने कितनी बार बोला है इसे रात में बंद ही रखना है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो बंद ही रखा था, मुझे नहीं पता कैसे खुल गया। क्या कर रही हो यहाँ? वो जी, मैंने पूछा क्या कर रही थी यहाँ? वो रघुवीर सर ने कहा था वो सोने के लिए गेस्ट रूम में जाने के लिए। गेस्ट रूम तो ऊपर है। पर रघुवीर सर ने कहा था कि नीचे। मैंने कहा ना गेस्ट रूम ऊपर है। प्रिया इसे जाकर छोड़ दो गेस्ट रूम में, वरना यहाँ वहाँ घूमती फिरेगी। थैंक यू। चलो है या मैंने सपना देखा? सपना ही होगा। मैंने सुना कल रात को वो वापस आ गई। पूरी रात सोने के लिए रूम ढूंढ रही थी वो। एक मिनट, कहीं वो रघुवीर के रूम में तो नहीं सो गई? सो भी सकती है। हाँ नहीं, गेस्ट रूम में सोई थी। फिर ठीक है। पता नहीं वहां से हवलदार की बेटी हमारे घर आ गई। काय काय काय, हवलदार की बेटी? ओ पता किया मैंने, उसका जो बाप है ना ट्रैफिक हवलदार है, रानी की जगह नौकरानी आ गई हमारे घर। प्लीज मॉम, जो है सो है ना। बस और कुछ नहीं बोलेगा, उसके सामने ये सब बातें नहीं होंगी, सब लोग अच्छी तरह बिहेव करेंगे उसके सामने। अच्छी लग रही हो हमारी दीदी साड़ी में। जी, मैं कुछ बना लूं? इतना तो बना दिया, तुम्हें लगता है कि इस टेबल पे कुछ कमी है? बेटा इधर यहाँ बैठ। आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, आज तू कोई काम नहीं करेगी। नाश्ता करो बेटा। वो
पहले सर आ जाए फिर। अरे रघुवीर के कमरे का तो सूरज भी नहीं उगा और दोपहर से पहले कभी उगता भी नहीं। चीजें बदलेंगे और सबसे पहले सुबह रघुवीर के कमरे से होगी। आई होप ऐसा ही हो। वैसे ताई बुरा मत मानना लेकिन आपने उसे बिगाड़ा है, उसे थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए ना, जैसे हमने प्रिया को रखा है। पर मैं अपने पेरेंट्स से क्या बोलूं? They just won't accept. Just let him be. मैं बोलूं वो नहीं समझेंगे। It's not that easy. रघुवीर कोई बच्चा नहीं है जो उसे कंट्रोल में रखोगे, और अपना रघुवीर बदलने वालों में से नहीं है, इसलिए वो जैसा है उसे वैसा रहने दो और बिजनेस हर्षित को ही संभालने दो। भैया इसी में सबकी भलाई है। नहीं, ये बिजनेस रघुवीर ने अपनी मेहनत से बनाया है और इसे वही चलाएगा, हर्षित नहीं। Of course, the right thing. बस उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए फिर वो सब कुछ संभाल लेगा। सॉरी जीजू लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दिन कभी आएगा। Dad, please. क्या जरूरत? अभी ये सब बोलना जरूरी था क्या? मुझे नहीं प्लेट लाना। इसीलिए रघुवीर इस घर को मैड हाउस बोलता है। वो ये भी कहता है कि यहाँ जैसा कोई दिखता है वैसा है नहीं। उसकी ये बात हमेशा याद रखना। क्या देखूं इसका मैं, सब गलत तैयारी। ऑडिट होने वाला और हमारी बैलेंस शीट नहीं मिल रही। अरे यू मिस्टर गायतुंडे, आप तो हेड अकाउंटेंट हैं, आपके होते हुए हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही। आई थिंक यू शुड रिजाइन, ऑल ऑफ यू। सर हमने चेक भी किया और बार बार कैलकुलेट भी किया पर समझ नहीं आ रही सर प्रॉब्लम कहाँ। रघुवीर क्या कर रहा है यार? Just give it back to me. गायतुंडे जी, ऑफिस में हथौड़ा है जी। प्रॉब्लम यहाँ है। सर कहाँ? यहाँ तो सब ठीक है सर। सर वहाँ नहीं, यहाँ। ये जो 8 है इसको प्रिंटर ने आधा प्रिंट किया है जिसकी वजह से 3 दिखाई दे रहा है। तो अगर निकालना है तो प्रिंटर को निकालो, क्योंकि जनरली जो सच दिखता है वो सच होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। बिल्कुल मेरी उप्स लाइफ की तरह। 4 घंटे हो गए। एंड इट वॉज जस्ट अ स्टूपिड प्रिंटिंग मिस्टेक। जल्दी से टोटल करके अमाउंट बताओ। 78,22,720 अमाउंट सही है सर। एक काम करो, इसमें से 20 पैसा मेरी फीस, बाकी रख लो। मेरा भी तो कुछ बनता है कि नहीं? सर आपकी नंबर्स के साथ अच्छी बनती है सर। हाँ, क्योंकि वो क्या है ना गायतुंडे जी, नंबर झूठ नहीं बोलते, हम इंसानों की तरह। छोटे लिसन, छोटे छोटे लिसन ना यार, तू अकाउंट्स में इतना अच्छा है, थोड़ा ऑफिस में टाइम स्पेंड करना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और तेरा भी वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वक्त ही तो नहीं ना मेरे पास ब्रो, इतना काम होता है मेरे को, दिन में सोना, शाम को दारू पीना, रात को तारे गिनने, कौन करेगा? ओ कम ऑन यार, तेरी शादी हो गई है यार, थोड़ा तो सीरियस हो। हमें लगा तो शादी के बाद बदल जाएगा, लेकिन बदलते या तो मौसम है या तकदीर, जो ना बदले वो रघुवीर। ट्राई तो कर यार, थोड़ा तू बदल, थोड़ा वो बदलेगी, यू नो। अरे क्यों उसे बर्डन दे रहे हो ब्रो, वो पिकनिक मनाने आई है, उसको पिकनिक मनाने दो। थोड़े दिन में मीडिया का प्रेशर हट जाएगा, उसके बाद वो अपने घर और हम अपने। रियली अब ये उसका घर है, यू नो। अब मेरे सोने का टाइम हो गया और बहुत सारी दारू बची है जो खत्म करनी है। सुन मेरी बात, सुन छोटे मेरी बात तो सुन, मैं तुझसे कुछ बात बताऊं। दारू ज्यादा मत पी। यार मेरी बात तो सुन यार, देखिए तू ज्यादा मत पियो, ओके? तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ रघुवीर।